हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेस्टाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है एंड ऐसे में वेडिंग सीरीज़ तो बनती है। तो गाइस, मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ये वेडिंग सीरीज़। और मैंने स्टार्ट किया है ये इंगेजमेंट मेकअप लुक से। आई होप कि आप लोगों को ये लुक पसंद आए। तो आज मैंने क्रिएट किया है ये सॉफ्ट इंगेजमेंट लुक। तो बिना देर करे चलें, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ गाइस ये मेबलिन सुपर स्टे फुल कवरेज फाउंडेशन। इट इज़ इन द शेड 120 क्लासिक आइवरी विच सूट्स मी रियली वेल। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है और इसकी जो कवरेज है वो भी बहुत अच्छी है। और ये ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए तो मस्ट है, प्रोडक्ट है, मेरा तो फेवरेट है। अगर आपकी भी ऑयली स्किन है देन यू कैन ट्राई दिस आउट। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर, विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कंसीलर्स। और ये कंसीलर जो है फुल कवरेज है, इसे लगाने के बाद आपको इनफैक्ट फाउंडेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट क्योंकि मैं यहाँ पर एंगेजमेंट लुक क्रिएट कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर कंसीलर भी यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने लिया है ये ब्लू हेवन का लूज फिनिशिंग पाउडर और अफोर्डेबल में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप यूज़ कर सकते हैं इसको। इसका जो शेड है वो भी मेरी स्किन से बहुत अच्छे से चला जाता है और मैं इससे अपनी आईज़ को बेक कर लूँगी ताकि जो भी फॉल आउट हो वो हम इसे सेट कर सकें। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल, ये भी बहुत ही अफोर्डेबल है, 60 to 70 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, टोटली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। अब मैंने अपने आईब्रोज़ को अच्छे से फिलिन अप कर लिया है और मैं साइड में जो इसके कॉम दिया गया है उसी से मैं प्रोडक्ट को स्प्रेड कर लूँगी अच्छे से। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बोर्ड ब्यूटी ग्लेस का पैलेट और इसमें बहुत सारे शेड्स आपको मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छा पैलेट है, पिगमेंटेड है। सबसे पहले मैंने लिया है ये लाइट पिंक कलर का शेड और मैं इसे अपनी ऑल ओवर लिड पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी टू मेक द ट्रांजिशन। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये थोड़ा सा डार्क पर्पल शेड है और इसे मैं अपने क्रीज लाइन को डेप्थ देने के लिए यूज़ करूँगी। अच्छे से आपको ब्लेंड आउट कर लेना है इसको, एज यू कैन सी धीरे धीरे आपको इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लेना है। मेक श्योर कि कोई भी हार्श लाइन ना रहे, ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी लुक भी उतना ही अच्छा आपका निकल कर आएगा। मैं साथ ही साथ में आउटर कॉर्नर पर इसको प्लेस कर रही हूँ टू डेप्थ इन द आउटर कॉर्नर। और मैंने अब यहाँ पर थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पर ब्राउन शेड भी दे दिया है ताकि कलर्स थोड़ा सा अच्छे से निकल कर आए। अभी मैं यहाँ पर कट क्रीज कर लूँगी, एक ही स्वाइप में मैंने कट क्रीज किया। अगर आप नहीं कर सकते तो आप स्लोली इसको धीरे धीरे भी कट कर सकते हैं। हाफ कट क्रीज मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। मैं यहाँ यूज़ करूँगी लूज़ ग्लिटर्स क्योंकि ये एंगेजमेंट लुक है। अभी मैं ये ले रही हूँ ब्यूटी ग्लेस की पैलेट से, ये फ्रॉस्ट कलर है शैम्पेन कलर का और मैं इसे अपने लिड पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। आप देख सकते हैं ये कितना पिगमेंटेड फ्रॉस्ट कलर है, बहुत ही पिगमेंटेड पैलेट है, अफोर्डेबल भी है, यू कैन ट्राई दिस आउट। ये मैं ले रही हूँ लूज़ ग्लिटर और ये मैं सिल्वर ग्लिटर ले रही हूँ और मैं लूँगी ये आई का वो आई लैशेज ग्लू जिससे मैं ग्लिटर अप्लाई करूँगी। अगर आपके पास कोई और ग्लू है ग्लिटर के लिए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने आईलिड पर इस ग्लू ग्लिटर को अच्छे से अप्लाई कर लिया है। आपको इसे पैट करना है, ठीक है, आपको ब्लेंड नहीं करना है, इसको पैट करना है। और पैट करके मैंने पूरा जो भी कट क्रीज किया था उसमें मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये AYA का स्केच आईलाइनर और मैं आज एक विंग ड्रॉ करूँगी। सबसे पहले आपको अपने मिड से स्टार्ट करना है, मैं मिड से स्टार्ट कर रही हूँ, कुछ लोग विंग से स्टार्ट करते हैं,
अपना तरीका होता है, आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे आप वैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर विंग ड्रॉ कर रही हूँ, आपको ऊपर की तरफ एक विंग ड्रॉ करना है, देन उसको आपकी मिड आईलिड पर आकर मर्ज कर देना है, जैसा मैंने वीडियो में किया है। और मैंने ये शार्प सा विंग क्रिएट किया है। अब मैं इसको जो भी इसके गैप्स हैं उसको फिल कर लूँगी। पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी है, देन आपको इसके गैप्स को फिल कर लेना है। अभी मैं इसको लाइन को आगे से भी अच्छे से मर्ज कर दूँगी ताकि जो लाइनर है वो इवन लगे। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये NYV का ब्लैक काजल, और मैं इसे हाफ अपनी वाटर लाइन के नीचे अप्लाई करूँगी। वाटर लाइन पर मैं यूज़ करूँगी वाइट काजल, और मैं हाफ वाटर लाइन के नीचे मैं यूज़ करूँगी ये ब्लैक काजल। अब मैं इसको सेम पिंक कलर की हेल्प से इसको अच्छे से स्मज आउट कर लूँगी ताकि जो कलर्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए और जो ऊपर इफ़ेक्ट है वो नीचे भी आ जाए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लिया, जो मेरा टियर डक का एरिया है मैंने वहाँ पर अच्छे से ये शिमर शेड अप्लाई कर लिया है टू पॉप अप द आईज। नेक्स्ट मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ ये स्ट्रे कर्की का वाइट काजल, और ये बहुत ही पिगमेंटेड है, बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट मैंने लिया ये ब्लू हेवन का मस्कारा। अब मैं अच्छे से अपने आई लैशेस को कर्ल कर लूँगी इससे। आपको अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर लेना है। अब मैंने जो भी बेकिंग की थी मैं उसे डस्ट ऑफ कर दूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर अप्लाई कर लूँगी फॉल्स आई लैशेज, और मैंने सबसे पहले इनको बीच में टक किया है, देन मैंने इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को साइड कर दिया है। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आगे आने वाली सीरीज़ में मैं आपके साथ बहुत सारे वेडिंग लुक शेयर करने वाली हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, स्टे सेफ।